हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप इंडिया से गल्फ कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं कोई भी जॉब के लिए, तो आपको कौन सा काम के लिए आना चाहिए, आपको हेल्पर में आना चाहिए या फिर काम सीख के आना चाहिए। तो ये सब चीजें मैं आप लोग को इस वीडियो में आज क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग को समझ में आए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे वीडियो में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर, ताकि आने वाली वीडियो आप लोग को पहले मिलता रहे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला काम है आपको एम बनाना है कि मुझे काम करना है। दूसरा काम है कि आपको वहाँ पे कितना सैलरी मिलेगा और क्या क्या करना पड़ेगा, ये आप अपने माइंड में समझ लो। कुछ भी करना है तो मैं करूँगा, आप ये पहले दिमाग में बैठा लो। मैं आपको तीसरा बता रहा हूँ। तीसरा, अगर आप किसी भी एजेंट से काम करवाते हो या फिर करने वाले हो या फिर कर रहे हो, तो आप उनसे पूरी डिटेल जानकारी अच्छे से ले लें, उसके बाद काम करें। कोई भी एजेंट से, कोई भी सिटी से आप काम कर रहे हैं तो अच्छे से जानकारी, अच्छे से पूरा डिटेल ले लें, उसके बाद ही आप लोग काम करें। ओके फ्रेंड, ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। ओके, आपको ऐसा नहीं कि कोई एजेंट के चक्कर में पड़ गए, आपसे 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये मांग रहे हैं लेकिन आपका काम बराबर करके नहीं दे रहे, आपको जितना सैलरी बोल रहा है उतना सैलरी आपको नहीं मिल रहा है। ऐसा क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है, आपको जानते नहीं हैं, तो आपको कैसे भी घुमा फिरा करके आपका वीज़ा लगवाते हैं और आपसे 1 लाख 20 हज़ार 1 लाख 30 हज़ार लेते हैं। तो आपको अगर वो बोल रहा है कि 1500 सैलरी मिलेगा, 1400 सैलरी मिलेगा या 1200 मिलेगा, तो 1200 सैलरी का एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके बाद आप लोग आ सकते हो। तो इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, कोई भी एजेंट, कोई भी ट्रैवल वाला आपको अगर लिख के देता है ना सऊदी अरबिया, कतर, दुबई के लिए कि यही काम मिलेगा, तो इसकी गारंटी नहीं है, बिल्कुल गारंटी नहीं है। एज पर हेल्पर, एज पर लेबर का कोई गारंटी नहीं, कोई भी काम देगा आपको करना पड़ेगा। अगर आप एग्री हैं तो हो आप लोग आ सकते हैं। मेरी बात कड़वी है लेकिन सच है, लेबर का कोई कैटेगरी नहीं होता है, जनरल लेबर। आप लोग अच्छे से पढ़ लो, वैकेंसी में लिखा हुआ रहता है जनरल लेबर, इजी लेबर, एग्रीकल्चर लेबर, एज पर हेल्पर। हेल्पर मीन्स कोई भी काम आपको देगा, आपको करना पड़ेगा। आप लोग कोई ट्रेड लिखा के नहीं आते हो, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जितना सैलरी आपको कहा गया है उतना मिलेगा, उससे कम भी मिल सकता है, ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा। एज पर हेल्पर कुछ भी काम देगा आपको करना पड़ेगा। तो ये सोच के आप आओगे तो आप सऊदी अरबिया में या कोई भी कंट्री में रह सकते हो। ओके फ्रेंड, इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हेल्पर में आ रहे हो तो यही काम, अगर आप कोई सीख के आते हो, कोई कंट्री जाना चाहते हो, या ड्राइवर हो, डेंटर हो, पेंटर हो, सेटरिंग कारपेंटर हो, स्टील फिक्सर हो, स्काफ होल्डर हो, कोई भी काम अगर आप ट्रेड लेके आते हो, सर्टिफिकेट लेके आते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो अगर आपके पास हेल्पर में है तो आप लोग नहीं कमा सकते। मेरा समझाने का मतलब यही है कि अगर आपको कोई एजेंट बोल रहा है कि नहीं 1200 सैलरी मिलेगा, ये काम में रहेगा, तो 100% गारंटी नहीं है, आसमान में हवे में तीर मारते हैं। अगर आपका लक अच्छा है, कंपनी अगर सेम मिल गया, सप्लायर नहीं हुआ, तो आप लोग को उतना सैलरी मिल सकता है और इतना पैसा आप कमा सकते हो जितना उसने आपको बोला है, लेकिन गारंटी नहीं है। आपको अगर जो बोलता है ना यही काम मिलेगा और इतना ही सैलरी मिलेगा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई गारंटी नहीं कि आपको वही काम मिलेगा, क्योंकि 80% यहाँ पे सप्लायर है सऊदी अरबिया में, 80% सप्लायर है, आराम से काम लेकर के दूसरा आदमी काम करवाता है, कोई डायरेक्ट कंपनी नहीं रहता है। ओके, और कोई डायरेक्ट ट्रेड हेल्पर में कोई ट्रेड नहीं होता है, कोई भी काम में आपको डालेगा और आपको काम करना पड़ेगा। आप ये सोच के आ रहे हो कि नहीं मुझे सुपरमार्केट में लगा रहा है तो मैं सुपरमार्केट में करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी काम देगा, इंडोर होगा तो इंडोर होगा, आउटडोर होगा तो आउटडोर होगा। तो यही सब काम रहता है। आप अगर ये सब सोच के आओगे अपने माइंड में तो आप लोग सक्सेसफुल है, आप लोग कर सकते हो, कमा सकते हो। एज पर हेल्पर की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेड जो जिसका है तो उसको वही मिलेगा, जितना सैलरी बोला जाता है वही मिलता है, क्योंकि उसके पास एक सर्टिफिकेट होता है, ट्रेड होता है, वो आके लड़ सकता है, बोल सकता है मैं ये काम के लिए आया हूँ, यही काम करूँगा, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करूँगा, तो उसकी जो है ना जिस एजेंसी आया उससे भी लड़ सकता है, ऑफिस वाले भी लड़ सकता है, वो इंडिया यहाँ से वापस भी जा सकता है। ओके, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा है, लेबर के लिए कोई फ़ायदा नहीं है दोस्त। अगर आप आना चाहते हो, काम सीख के आओ, अच्छा कोई स्किल्स लेके आओ, तो आप सऊदी अरबिया में पैसा कमा सकते हो। चाहे कोई भी आपके अंदर स्किल्स हो, कोई भी कैटेगरी हो, वो करके आओ, अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। मैं आपको यही सजेशन करूंगा, अगर आप हेल्पर में आ रहे तो आप आ जाओ भाई। जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इसमें से आप सब चीज़ को समझ लो, उसके बाद आप फिर सक्सेसफुल है, आप पैसा कमा सकते हैं, 20 से 22 हज़ार रुपये हेल्पर में आराम से कहीं पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन आप अगर लिखवा के लाते हो यही काम मिलेगा और यही काम मैं करूँगा जा करके, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लड़ नहीं सकते। तो इस बात का आप अपने एजेंट से डील करके
झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है, वो आपको फंसा करके पैसा ले लेता है और इतना पैसा आपसे ले करके फिर वो आपको भेज देता है। 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 आप एग्री हो जाते हो, उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाते हो। आने के बाद रोना धोना रहता है, फ़ोन करते हो, उसके बाद फिर आप उसको बोलते हो कि भाई मेरे को आपने फंसा दिया, मेरे से इतना पैसा ले लिया। तो ये कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब आप काम अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो कम पैसे में आ सकते हैं, 60-70 हज़ार रुपये में आप लोग कोई भी गल्फ कंट्री जा सकते हैं, ओके। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट करेंगे, लेकिन आपको एक माइंड में बात रहता है कि मैं डायरेक्ट कैसे करूँ, कैसे बम्बई जाऊँ, कैसे दिल्ली जाऊँ, कैसे हैदराबाद जाऊँ या कैसे बेंगलोर जाऊँ, आपको रास्ता लाइन नहीं मालूम है। इसलिए मैं बोलता हूँ तो आप अगर मेरे सेटअप को फॉलो करके अगर आप करोगे तो 60-70 हज़ार रुपये में आप लोग कहीं पर काम कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा और आपको अगर डायरेक्ट काम करना है तो मैं सामने वाले का नंबर भी दे दूंगा, जाके आप लोग डायरेक्ट काम कर सकते हैं और अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, 30-40 हज़ार रुपये सेव कर सकते हैं। लेकिन आपको तब भी भरोसा नहीं होता है, क्या पता आपके बताए हुए रास्ते पे गए और काम नहीं हुआ तो इसकी गारंटी कौन लेगा। पहले आप गारंटी लेते हो, आदमी मरा नहीं पहले कफन खरीद के रखते हो, ऐसा नहीं है दोस्त। पहले आप अपने आप पर भरोसा करो, खुद पे ट्रस्ट रखो, उसके बाद जाकर के आप लोग कहीं पे काम कर सकते हैं, कम पैसे में कोई भी क्लब कंट्री जा सकते हैं। जिस दिन आप अपने ऊपर भरोसा कर लोगे, अपने ऊपर ट्रस्ट कर लोगे कि हाँ मैं ये खुद कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ, तब जाकर के आप सक्सेसफुल बन सकते हो, ओके। मैं आप लोग को ऐसा ऑफिस का नंबर नहीं बताऊंगा जो आपका पैसा लूट ले और पैसा मार ले, ऐसा कुछ नहीं। 1000+ ऑफिस का एड्रेस बताऊंगा और 1000+ से अगर आप आओगे तो पैसा आपका कभी नहीं टूटेगा, चाहे वो सैलरी 1200 हो या 1400 हो या 1500 हो, वो ऑफिस से जाओगे तो 60-70 हज़ार रुपये में आप लोग आ सकते हो और अपने पैसे को सेव कर सकते हो, ओके फ्रेंड। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप इतना नहीं कर पाते हो या फिर आपको रास्ता मालूम नहीं या फिर आप नहीं करना चाहते हो या फिर भरोसा नहीं है तो फिर आप अपने एजेंट से काम करो, 1,20,000-30,000 दो और उसके बाद आओ। लेकिन आप ये लिखवा के मत लो कि मैं यही काम में जाऊंगा और यही काम मिलेगा, ऐसा कभी नहीं मिलने वाला है। लक बाई चांस आपको अगर मिल गया तो अच्छी बात है, आपकी नसीब है और आप आकर के यहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हो और रह सकते हो, ओके फ्रेंड। तो बस आज के लिए इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोग को बता दिया, आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। और भी कुछ अगर जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो को ज़रूर देख ले।